चलिए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड से आप जो भी खर्च करते हैं या कैश निकालते हैं वो आपका अपना पैसा होता है जो आपके बैंक अकाउंट में होता है। ये एक तरह का प्री रिचार्ज कार्ड जैसा होता है। जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तब तक आप डेबिट कार्ड से जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खर्च करते हैं वो एक लोन की तरह होता है जो आपको बाद में चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट तय होती है, आप उस लिमिट तक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला पैसा आपका अपना पैसा होता है, इसलिए आप उसे खर्च करें तो जाहिर सी बात है आपको उस पर कोई ब्याज देना नहीं होता है। वहीं क्रेडिट कार्ड से आप पहले खर्च करते हैं और बाद में चुकाते हैं, इसलिए खर्च किए गए पैसे पर ब्याज लगता है। हालांकि एक तय समय में पैसा लौटाने पर बैंक और कंपनियां ब्याज नहीं लेती हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की ऊंची दर वसूली जाती है। डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बहुत कम होता है। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर ना करने पर आपको जुर्माना भी देना होता है। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।